हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी। वेलकम टू अधिगम मंच। वी प्रेजेंट हियर विद अनदर न्यू सेशन दैट इज 3D इंटेलिजेंस, अर्थात त्रि आयामी बुद्धि। फ्रेंड्स, बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र CDP के इस इम्पोर्टेंट क्लास में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बुद्धि से संबंधित एक और महत्वपूर्ण थ्योरी रहेगी, क्योंकि इससे पहले हम बुद्धि के जो कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरीज थी, यानी कि बुद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांत डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट सीरीज में हमने 4 सिद्धांत डिस्कस किए थे। आज जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा 3D इंटेलिजेंस, अर्थात त्रि आयामी बुद्धि। फ्रेंड्स, यानी कि त्रि आयामी बुद्धि की जब भी हम बात करते हैं, तो जे पी गिलफर्ड ने बुद्धि को 3 आयामों में विभक्त किया है, अर्थात इन्होंने बुद्धि के कारक ना बताते हुए इन्होंने बुद्धि को 3 आयामी बताया है। ये कहते हैं कि बुद्धि 3 आयामी होती है, यानी 3-डायमेंशनल होती है, 3 आयाम काम करते हैं। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं, यानी 3-डायमेंशनल थ्योरी बाय जेपी गिलफर्ड। सबसे पहले यदि हम बात करें तो इन्होंने 3-डायमेंशनल थ्योरी दी है, यानी इंटेलिजेंस की। ठीक, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 3D पेंटिंग, ठीक, 3D पेंटिंग की यदि हम बात करें, यह हो गई 3D पेंटिंग। जनरली आप जो पहले पेंटिंग देखते थे उसमें कोई भी एक कैनवस है, कैनवस पर कोई पेंटिंग बनी हुई है, क्लियर। ठीक, लेकिन इसके बाद आज हम देखते हैं तो 3D पेंटिंग का चलन है। 3D पेंटिंग मतलब उसमें 3-डायमेंशनल, 3 आयाम होते हैं। बिल्कुल, यदि हम किसी भी कैनवस पे उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हो वो हो ये निकल कर आने वाला है। ठीक है, और 3D स्क्रीन भी आ गई है। ठीक, तो ऐसा लगता है जैसे कोई भी एक पेंटिंग है, कोई भी एक पिक्चर है, वो बिल्कुल साफ क्लियर दिखती है। उसमें 3-डायमेंशन होते हैं, ठीक है, 3 आयाम होते हैं। बेसिकली जब भी हम बात करते हैं, जैसे XY कोई भी 2 डायमेंशन है, 2 आयाम है। ठीक है, तो इस तरह की जो पेंटिंग होती है, ठीक है, एक एग्जाम्पल बतौर मैं बता रहा हूँ। अब इन्होंने एक तीसरा और डायमेंशन कर दिया, मतलब 3 आयाम। तो हम बात करें, ठीक है, यानी 3 डायमेंशन बताए हैं इन्होंने थ्योरी के। इससे पहले हम कर चुके हैं यूनिफैक्टर थ्योरी, 2-फैक्टर थ्योरी, इसके साथ साथ ट्राईआर्किक थ्योरी, ठीक, और मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो फ्रेंड्स, यानी कि जेपी गिलफर्ड ने अपने 3D इंटेलिजेंस, यानी कि फिर आयामी बुद्धि का जो सिद्धांत है उसमें क्या बताया है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए मैंने इसे इकलौते इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को एक सेशन दिया है। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक रहेगा, इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, बहुत ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, हाँ, तो 3-डायमेंशनल थ्योरी की जब भी हम बात करते हैं, जो इंटेलिजेंस बुद्धि से संबंधित है, जेपी गिलफर्ड बुद्धि में 3 डायमेंशन बताते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, यानी जो हमारी मानसिक है, हमारा जो माइंड है, इन्होंने उसकी स्ट्रक्चर प्रस्तुत की है अपने इस सिद्धांत में। स्ट्रक्चर मतलब संरचना। एक स्ट्रक्चर मानसिकता की, यानी कि माइंड की एक स्ट्रक्चर, मस्तिष्क की ये स्ट्रक्चर प्रस्तुत करते हैं, क्लियर। और डिफरेंट डिफरेंट आयाम बताए हैं इन्होंने, आइए उन्हें देखते हैं। ठीक, तो ये रही एक बात। सबसे पहले ये 3 जो आयाम देते हैं उसमें पहला रहेगा फ्रेंड्स, फर्स्ट जो रहेगा वो है मेंटल कॉन्टेक्ट, मेंटल कॉन्टेंट। ठीक है, मेंटल कॉन्टेंट की यदि हम बात करें, मतलब मानसिक सामग्री, बेसिकली ये क्या है उसे अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद दूसरा जो डायमेंशन है, या दूसरा जो आयाम है, वो बात करते हैं मेंटल ऑपरेशन। ठीक है, कुल मिला के माइंड, हमारे मस्तिष्क के, ह्यूमन के मस्तिष्क के
ठीक है, यानी कि तीन तरह से वर्गीकृत कर दिया। पहला जो हमारे माइंड में चीजें होती है, एक स्ट्रक्चर प्रस्तुत की, पहला इन्होंने नाम दिया यानी मेंटल कंटेंट जो मानसिक सामग्री होती है, ठीक है। उसके बाद मेंटल ऑपरेशन जो हमारी मानसिक क्रियाएं होती हैं, इसके बाद थर्ड यदि हम तीसरे की बात करें तो वो रहेगा फ्रेंड्स मेंटल प्रोडक्ट, बेसिकली मानसिक, हाँ जी, मानसिक उत्पाद। अब इन तीनों डायमेंशन, तीनों आयाम को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि एक स्ट्रक्चर हमारे मस्तिष्क की एक स्ट्रक्चर प्रस्तुत की है। सबसे पहले इन्होंने नाम दिया मेंटल कंटेंट, यानी कि मानसिक सामग्री। हमारा किसी भी व्यक्ति का मान लीजिए ये है माइंड, क्या है भाई, मस्तिष्क, ठीक है। तो हमारे मस्तिष्क में एक सामग्री होगी जिसे इन्होंने कहा यानी कि मेंटल कंटेंट, यानी बुद्धि। बुद्धि का संबंध सीधा सीधा हमारे मस्तिष्क, हमारे संज्ञान, हमारे ज्ञान से होता है। तो इनके अकॉर्डिंग जो मेंटल कंटेंट है, यानी कि मस्तिष्क में कुछ मानसिक सामग्री है, यानी कि दिमाग है, ठीक है, यानी कि बुद्धि है, क्लियर, पहले से मौजूद है। किसी भी व्यक्ति में मेंटल कंटेंट होता है, यानी कि कुछ मानसिक सामग्री पहले से मौजूद होती है, जिसकी वजह से उसकी जो मेंटल लेवल है यानी कि मानसिकता यानी कि बुद्धि वर्क करती है, क्लियर। तो इन्होंने एक पहला डायमेंशन, पहला आयाम प्रस्तुत किया, यानी कि मेंटल कंटेंट, मानसिक सामग्री जो पहले से मौजूद है। इसका सीधा सीधा संबंध किसी भी बच्चे की हेरिडिटी, अनुवांशिकता से होता है, क्लियर। अब हम बात करते हैं दूसरा जो आयाम इन्होंने प्रस्तुत किया, वो बताते हैं मेंटल ऑपरेशन, उसके बाद मानसिक क्रियाएं, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में बुद्धि यानी बौद्धिक एक सामग्री, एक कंटेंट पहले से अवेलेबल है, उसके बाद उसके अनुसार ही वो मानसिक क्रियाएं कर पाएगा। किसी चीज को देखने के बाद उसके जो यानी कि एक्सप्रेशंस, एक्टिविटी होंगे, उसके जो भावनाएं होंगे, ठीक है, वो होंगे जैसे मानसिक क्रियाएं करेगा, ठीक है। यानी कि बुद्धि के अनुसार ही वो कुछ क्रियाएं कर पाता है, यानी कि हमारा जो माइंड है वो कुछ ऑपरेशंस करेगा, कुछ क्रियाएं करेगा। इसके बाद थर्ड वन आता है यानी कि मेंटल प्रोडक्ट, देन सबसे लास्ट में जो मानसिक प्रोडक्ट है यानी कि मानसिक उत्पाद है, हमारे दिमाग से वो चीज निकल कर आएगी, यानी कि ये हो गई भाई संरचना। हमारे मस्तिष्क की एक संरचना प्रस्तुत की। सबसे पहले प्रोडक्ट निकलने से पहले हमारी बुद्धि जो हमारी मानसिक योग्यता है उसके काम करने से पहले की सारी इन्होंने स्ट्रक्चर प्रस्तुत कर दी, संरचना, कि हमारे माइंड में सबसे पहले मेंटल कंटेंट होता है यानी कि एक मानसिक सामग्री होती है, यानी कि बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। ये किसी कारक, किसी तत्व, किसी फैक्टर की बात नहीं करते, ठीक है, यानी कि मानसिक सामग्री है जो पहले से मौजूद है। उसके बाद मेंटल ऑपरेशन, उस सामग्री के अनुसार ही हमारा मस्तिष्क, हमारा माइंड, हमारी बुद्धि कुल मिला के मानसिक क्रियाएं करती है, एंड देन उसके बाद कुछ मानसिक उत्पाद यानी कि मेंटल प्रोडक्ट निकल कर आते हैं, ठीक है। तो ये रही एक बात, तो हम यहाँ पे एक छोटे से डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहला पहला जो इन्होंने आयाम प्रस्तुत किया वो कहते हैं मेंटल ऑपरेशन, क्लियर, यानी कि मानसिक सामग्री जो पहले से मौजूद होती है किसी भी व्यक्ति के माइंड में यानी बुद्धि होती है। इसके बाद यदि दूसरे की हम बात करें तो दूसरा इन्होंने कहा है मेंटल ऑपरेशन, यानी कि कुछ मानसिक क्रियाएं होती हैं, एंड देन थर्ड यदि तीसरे डायमेंशन थ्री तीसरे आयाम की बात करें तो लास्ट में आता है यानी कि मेंटल ऑपरेशन यानी कि मानसिक उत्पाद। तो कुल मिला के जब भी किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे की इंटेलिजेंस, की बुद्धि काम करती है यानी दिमाग काम करता है, मेंटल यानी इंटेलेक्ट काम करता है, तो उसमें कुछ पहले से मानसिक सामग्री होती है, फिर मानसिक क्रिया होती है, फिर उत्पाद निकल कर आता है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू काम करते हैं, ठीक है। किसी भी बच्चे को, कोई एक बच्चा है या कोई एक व्यक्ति है, बच्चे से एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान। कोई एक बच्चा है, मान लीजिए इसकी एज 12 ईयर है, ठीक है,
इसको हमने सॉल्यूशन दिया, मतलब एक कोई क्वेश्चन दिया मैथ का करने के लिए कि बेटा लो और इसे आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। यानी कि उसके समक्ष एक प्रॉब्लम प्रस्तुत कर दे कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। बहुत सारे एग्जांपल्स पहले टीचर ने दिए, पहले उसे पढ़ाया और उसे कहा कि एक कुल मिला के एक डिफिकल्टी, एक प्रॉब्लम उसके सामने हमने दे दी, इसे खुद से सॉल्व करो, ठीक। अब बच्चे के माइंड में, यानी कि बच्चे का जो दिमाग है, दिमाग मतलब संज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान मतलब बुद्धि है, ठीक है, बुद्धि मतलब अनुभव है, ठीक है, मतलब व्यवहारिक ज्ञान का जो, मतलब किसी भी बच्चे के व्यवहारिक ज्ञान का जो प्रयोग है वही तो बुद्धि है, हम बात कर चुके हैं पहले, यानी बुद्धि की अवधारणा में, ठीक है। जब हमने किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम प्रस्तुत कर दी, कोई प्रॉब्लम दे दी, तो उसके दिमाग में संज्ञान से संबंधित, मतलब उसके माइंड में मेंटल कंटेंट है, यानी मानसिक सामग्री है, वो सोच सकेगा, पिछले कुछ अनुभव के अनुसार वो धीरे धीरे उसे उस पर वर्क करने की कोशिश करेगा, यानी कि कुछ मेंटल ऑपरेशन होंगे उसके दिमाग में, कुछ क्रियाएं होंगी, एंड देन मानसिक ऑपरेशन, कुल मिला के फिर उसका उत्पाद प्रोडक्ट निकल कर आएगा, कुल मिला के उस प्रॉब्लम पर वो वर्क करने लगेगा, वर्क करने लगेगा मतलब उसको वो सॉल्व कर पाएगा। अब डिपेंड करता है कि उसने कितना पहले सीखा है उसके अनुभव पर, तो सिर्फ ये मानसिक क्रियाएं हैं यहाँ पे, यानी कि मेंटल स्ट्रक्चर की रेटिकल पर बात करते हैं, तो ये 3D डायमेंशनल है। और हम बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो यहाँ पे जो इनका 3D इंटेलिजेंस है वो यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन और दो चीजों की ये बात करते हैं जेपी गिलफर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद और किसी सेशन में या क्वेश्चन के थ्रू उन चीजों को हम बेहतर तरीके से डिस्कस कर पाएंगे। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। यदि हमारे इस सेशन से थोड़ी हेल्प मिलती है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करें, ठीक है। यदि आप नए हैं तो हमसे जुड़ने की कोशिश करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। ये दो चीजों की बात करते हैं फ्रेंड्स, यानी पहले करते हैं, हाँ, एक और चीज हम यहाँ पे छूट गई, देखो मेंटल कंटेंट की यदि ये बात करते हैं तो इन्होंने 5 कंटेंट, ये सॉरी हाँ, ये मेंटल कंटेंट यानी कि मानसिक सामग्री की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी क्रियाएं होंगी, इन्होंने 5 बताए हैं उन्होंने, उसके अनुसार यानी सेकंड की बात करें तो ये 6 बताते हैं, एंड थर्ड की बात करें जब मेंटल प्रोडक्ट होते हैं वो भी 6 होते हैं, तो कुल मिला के 5 × 6 × 6 180, यानी कि 180 तत्व इनके अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति की इंटेलिजेंस में, बुद्धि में 180 तत्व काम करते हैं, ठीक है। मेंटल स्ट्रक्चर बताने के बाद, प्रस्तुत करने के बाद ये पाते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, उसमें जो कारक हैं, जो तत्व हैं, वो 180 हो जाते हैं, ठीक है। उनके अनुसार यानी कि उन तत्वों के अनुसार ही किसी भी व्यक्ति की बुद्धि काम करती है, ठीक। तो इससे पहले यानी कि पहले सबसे फर्स्ट जो इन्होंने अपने 3D इंटेलिजेंस प्रस्तुत की, ठीक है, तब ये कहते थे कि किसी भी व्यक्ति की बुद्धि में 120 होते हैं, क्या 120 कारक काम करते हैं, 120 तत्व काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो इन्होंने 150 बताए, ठीक है, पहले 120, दोबारा में 150 यानी कि 150, ठीक है। जिस जिस तरीके से कैसे ये चीजों को समझते गए, ये प्रस्तुत करते गए, पहले 120 तत्व होते हैं, ठीक है, इनके यानी कि इस डायमेंशनल इंटेलिजेंस के थ्रू, उसके बाद आज यदि हम माने तो 180, फ्रेंड्स 180 यानी कि NCERT भी आज 180 एक्सेप्ट करती है, इसलिए आप 180 पढ़ें, ठीक है। तो ये रही एक बात जो काफी इंपोर्टेंट है, और इंपोर्टेंट चीज नेक्स्ट हम बात कर रहे थे उसे डिस्कस कर लेते हैं, कि
ये दो चीजें की बात करते हैं, एक करते हैं कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि जब जेपी गिलफर्ड हम कर ही रहे हैं तो इन दोनों चीजों पर देख लेते हैं। दूसरी की बात करते हैं डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, और दूसरा रहेगा हमारा अपसारी चिंतन। फ्रेंड्स, ये अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन बेसिकली क्या है, इसको हम अलग से नए सेशन में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर से पूछा जाता है, बिल्कुल लिख लीजिए, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग से तो क्वेश्चन पेडागोजी में पूछा ही जाएगा। फ्रेंड्स, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, जो जेपी गिलफर्ड उसके बारे में बात करते हैं, वो क्या है, नेक्स्ट सेशन में इसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और कोई सेशन आने से पहले ये चीज रहेगी, एक छोटा सा सेशन रहेगा। आई होप यहाँ पे हमने थ्री डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जेपी गिलफर्ड की, यानी कि थ्री डायमेंशनल थ्योरी जो मानसिक यानी कि माइंड के स्ट्रक्चर प्रस्तुत करते हैं, वो हमने प्रस्तुत की, जिसमें ये 180 कारक बताते हैं बुद्धि के। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यदि आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं इस पर आपसे विदा लेता हूँ।